हे गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी हो रहे हैं शाम के 5 और मैं अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। फिलहाल मैंने दिन भर बहुत सारे काम किए, बट वहां पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। सो यहाँ से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज कोई हमारे घर आने वाला है। मैंने सोचा था कि पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग से करेंगे ब्लॉगिंग, बट सब कैंसिल हो गया क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और घर पूरा एकदम सेटल करना था, एकदम बिखरा हुआ था। ऊपर से आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई, तो झाड़ू पोछा मतलब इतने जितने काम हो सकते थे सब मैंने कर लिए हैं। बाथरूम साफ करना, ये करना, वो करना, सब कुछ हो गया है घर का। तो अब बचा सिर्फ कुछ शॉपिंग करनी है, शॉपिंग इन द सेंस कि कुछ सामान वामान लेके आना है क्योंकि रात को खाना बनाना है। तो फटाफट से चलते हैं मार्केट में और सामान लेके आते हैं। फिर आज आपको मैं मिलवाऊंगी उनसे जो कि बहुत खास हैं, जिनसे आप लोग बहुत पहले मिले हुए हैं और आई थिंक आज जो मैं आपको मिलवाऊंगी एक साल बाद, एक या डेढ़ साल बाद मिलवाऊंगी। सो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग और बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे वीडियो को एंजॉय कीजिए। फाइनली हमारी लास्ट शॉपिंग थी वो रह गई, हो गई कंप्लीट। इतने कॉन्शियस क्यों हो जा रहे हो? इसी में डाल दो इसमें। तो फाइनली सारी शॉपिंग हो गई, बहुत लेट हो रही है, 7 बज गए हैं। फटाफट से चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं और मेरी जैसी कुक इतनी अच्छी है कि क्या ही बताऊँ मैं। है ना, मैं कुक अच्छी हूँ ना, खाना अच्छा बनाती हूँ ना। बहुत अच्छा, देखा मुँह दबा के बोल दिया ताकि कोई तारीफ ना करे मेरी। तो गाइस अभी जो स्टार्टिंग हो गई है वो हो गई। मैं बना रही हूँ आज 2 सब्जियाँ, जिसमें से एक होगा शाही पनीर, एक होगा मशरूम। और मशरूम थोड़ी सूखी बनाऊंगी बिकॉज शाही पनीर थोड़ी सी ग्रेवी होगी। तो यहाँ पे मटर छिल गया है, पनीर भुन गया है मतलब तल गया है, और इसके अलावा आटा में गूंथ गया है, बनेगा पुलाव। और क्या, हाँ पुलाव बनेगा, रायता बनेगा अभी बूंदी का। रायता तो फैलाती हूँ ना? हाँ मैं बहुत रायता फैलाती हूँ, तो ये रायता ही तो है फैलाया हुआ है। तो उसके बाद जब सब लोग आ जाएंगे तब बनाएंगे हम पूड़ियाँ, गर्मा गर्म बनाएंगे और देखते हैं सबको कैसा लगता है खाने में। और सबसे खास मेहमान से आपको मिलाते हैं, सबसे छोटी उस्ताद जो आ रही है उनसे मिलवाते हैं आपको। और ये रहा मेरा मशरूम बनाने जा रही हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डल गई हैं, सिर्फ मशरूम डालना, मसाले डालने हैं और मेरा सारा काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी उन लोग के आने का जो टाइमिंग है ट्रेन का ना, वो है 9:40। तो हमें फटाफट से इसको बना करके हमें फिर स्टेशन जाना उनसे मिलने के लिए, फिर उनको लेके आते हैं। तो थोड़ा सा आज जो है ना मजे करेंगे हम लोग रात में बैठ करके भाभी के साथ में। वैसे आप लोगों को मैंने बताया नहीं है, अभी बता ही देती हूँ, क्या इतना सस्पेंस रखना, तो सारे ब्लॉग में देख लेना है। तो जो ये लोग आ रहे हैं ये है, जब हम पंजाब में रहते थे आपने देखा होगा तो उसमें एक भाभी थी अनिता भाभी जो हम लोग के साथ हमेशा रहती थी, तो वो भैया और उनकी छोटी सी बेटी गुड्डू जिसके साथ मैं हमेशा वीडियो बनाती थी वो आ रहे हैं। सो बस उन्हीं को लेने जाना है। यहाँ पे शाही पनीर मेरी लास्ट में आपको जरूर दिखाऊंगी कैसी है, और शाही पनीर बहुत बहुत टेस्टी होती है। अभी रिसेंटली मैंने बनाना शुरू किया है 2-4 बार। क्यों हंस रहे झूठ में? आजकल ना मैं पनीर की बहुत वेरायटी बनाने लगी हूँ, मशरूम का, काली मिर्च बनाने लगी हूँ, वो बहुत टेस्टी होता है। और ये जो पीछे हंस रहे ना, ये सबसे ज्यादा खाते हैं, लेकिन झूठ में हंसे जा रहे, गुस्सा दिला रहे मुझे। अब क्यों हंस रहे झूठ में? ये एक्सपेरिमेंट मत करो यार। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, अभी कल ही मैंने इसको बनाया था, उसके बाद भी खा करके कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कर। कल ही मैंने कहा था कि ये रहने देना। जो लोग एक्चुअली क्या होता है ना, शाही पनीर कुछ लोग खाते कुछ लोग नहीं खाते, तो एक तीखी एक मीठी, तो एक थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अभी इन लोगों को क्या पता, ये सब बस खाने को मिलना चाहिए, बस इससे मतलब और कुछ। तो ये जो मशरूम बन रहा है ना,
मैंने ना अपने शादी से पहले मुझे नहीं आता था सही बताओ, क्योंकि मेरे घर में कोई मशरूम खाता नहीं था, नहीं पता, और पहले इसको हमारे यहाँ मशरूम को नॉनवेज समझा जाता था पता नहीं क्यों, और बाद में मुझे पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं अपने ससुराल साइड आई तो मैंने मशरूम बनाना सीखा, तो बस यहाँ फटाफट से बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या करना है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं नीचे और सारा काम मेरा हो चुका है, हम जा रहे हैं उनको स्टेशन से लाने के लिए, और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक डेढ़ साल बाद मैं भाभी से मिलने जा रही हूँ, और ये साथ वाले मेरे जो है ये अभी भी लगे हुए अपना फोन लग कनेक्ट करने में, ये पता नहीं क्या फंडा है, स्टार्ट करो 5 मिनट तक वेट करो, तो फिलहाल टाइम हो गया उनके ट्रेन का और हम लोग फटाफट से लेके आते हैं। अभी आने में टाइम है थोड़ा सा, ट्रेन को कितने में आ रही है, आने तो 5 मिनट पहले ही, 9:52 तो है, 9:56 हो रहा है, तो वेट करते थोड़ा सा लेट है अभी ट्रेन। तो जी फाइनली आ गई ट्रेन और देखते हैं किधर है, देखते रहे बाबू तुम एक बार कुछ कहते हो, कुछ कभी अपनी बातों पर टिका करो यार, बत्तियां बुझा दे। अच्छा हम लोग इधर तक आए ना तो ये बोलते पहले S2 फिर S8, मैंने कहा पहले खुद ही क्लियर हो लो तो क्या है, जो टाइगर रहता है ना लग रहा है ये है ना, इसका जो जबड़ा है ये देखो 1.5 गुना बड़ा रहता है, और जो इसकी हड्डियां हैं वो बहुत मजबूत रहती है, बहुत ज्यादा बहुत सुंदर लग रहा है ये, बढ़िया रिकॉर्डिंग करने के लिए।